हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे रोशमिका मंदाना की आने वाली बॉलीवुड की फिल्म, आखिर किस मूवी से रोशमिका मंदाना अपना डेब्यू कर रही हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं रोशमिका मंदाना के बारे में, जो कि साउथ इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। साथ ही साथ रोशमिका मंदाना जो कि नेशनल क्रश भी मानी जाती हैं, साउथ इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस रोशमिका मंदाना जो फिलहाल में टॉप मोस्ट एक्ट्रेस में मानी जा रही हैं। वहीं रोशमिका मंदाना जो कि अपने लाइफ में कई सारी मूवीज बना चुकी हैं, तमिल में, तेलुगु में, साउथ इंडस्ट्री में, लेकिन ऐसा कौन सा मूवी है जो कि रोशमिका मंदाना को इतना ज़्यादा फेमस कर दिया। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सिनेमा विद रीति। आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस के बारे में, रोशमिका मंदाना के बारे में। हालांकि रोशमिका मंदाना साउथ इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज बना चुकी हैं, लेकिन बात करें कि रोशमिका मंदाना को आखिर किस मूवी से सफलता मिली है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोशमिका मंदाना की मूवी गीता गोविंदम, जिसमें कि रोशमिका मंदाना और उनके साथ विजय देवरकोंडा नजर आए थे, जो कि मूवी काफ़ी द्वारा पसंद की गई थी दर्शकों के द्वारा। और वहीं बात करें रोशमिका मंदाना की दूसरी मूवी जो कि विजय देवरकोंडा के साथ ही देखी गई, जिसका कि नाम था डियर कॉमरेड, इस मूवी से भी रोशमिका मंदाना को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे और आज रोशमिका मंदाना नेशनल क्रश बन चुकी हैं। बात करें रोशमिका मंदाना की फर्स्ट बॉलीवुड डेब्यू फिल्म के बारे में, जिसका कि नाम है मिशन मजनू, और उसमें हमें देखने को मिलेंगी रोशमिका मंदाना और उनके साथ नजर आएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा। मिशन मजनू जो कि मूवी बनके कंप्लीट हो गया है, लेकिन मूवी का अनाउंसमेंट या मूवी का जरा ट्रेलर या टीजर हमें जल्द ही मिलने वाला है। रोशमिका मंदाना जो कि स्क्रू ढीला मूवी में भी देखने को मिली हैं, जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ हाल ही में मूवी का अनाउंसमेंट हुआ है। फिलहाल में रोशमिका मंदाना जो कि अमिताभ बच्चन के साथ गुड बाय यानी कि अलविदा मूवी बना रही हैं, जो कि हमें जल्द ही देखने को मिलने वाला है। तो बॉलीवुड की कई सारी ऐसी मूवी है जिसमें कि हमें बैक टू बैक रोशमिका मंदाना नजर आने वाली है। ज्यादातर रोशमिका मंदाना को लोग इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनका क्यूट सा एक्सप्रेशन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, और वहीं इमोशन सेंस हो या फिर कोई भी सेंस जो कि बहुत अच्छे से रोशमिका मंदाना करती हैं। क्या आप सभी रोशमिका मंदाना को पसंद करते हैं, तो हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए सिनेमा विद रीति में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।